मॉर्निंग, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से पार्थ को जाना है स्कूल उसकी रोबोटिक्स प्रैक्टिस के लिए। तो सुबह नाश्ता और लंच बना रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे राजमा बना रही हूँ और ये मैंने भिंडी बनाई है प्याज वाली। और आज मेरा मकबैंग भी मुझे शूट करना है क्योंकि कल मुझे जाना है ऋषिकेश, तो इसलिए एक मकबैंग मेरा एक्स्ट्रा शूट होना चाहिए ताकि पीछे से मिस ना हो। तो मेरे को बड़े टाइम से ना कुछ सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी बैंगन मसाला राइस के साथ खाओ, बताओ। तो आज मैं बनाऊंगी बैंगन मसाला। मैं सोच रही हूँ वो भी मैं अभी बना के ही रख दूँ सुबह। तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है, इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। छोटे वाले बैंगन जो हैं वही है मेरे पास, अभी बड़े लंबे वाले हैं नहीं, तो मैं ये इन बैंगनों का बनाऊंगी। ओह, चने की दाल बनाऊंगी, मुझे वो चावल के साथ बहुत पसंद है। तो ये तैयारी भी मैं अभी कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है और मुझे फिर ट्रिप के लिए पैकिंग भी करनी है, तो टाइम नहीं मिलेगा। और फिर मुझे आज शूटिंग भी करनी है मकबान की। तो जी चलो हम फटाफट से अपना बैंगन मसाला जो है ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी दालचीनी, बहुत ही आसान है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना, एकदम मन स्वाद बनते हैं। जीरा डाल दिया जी, ठीक है। और जी ये अपना पेस्ट, इसमें थोड़ा सा पानी घुमा के अच्छे से सब जगह से टमाटर वगैरह का मसाला उतर जाए। और अब इसमें डाल देंगे हम ये मैंने सूखे मसालों को पानी डाल के पेस्ट बना लिया। इसमें नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और चंकी चाट मसाला है। ये गया अंदर, ठीक है जी। करा मिक्स सारा कुछ। इसमें ये बैंगन मैंने धोकर एक एक स्लिट मारा है, दो नहीं, छोटे बैंगन है ना फिर ज़्यादा ही खुल जाते हैं। गया अंदर, बस आप चाहो तो इसमें आलू भी डाल सकते हो, बैंगन आलू मसाला बन जाएगा। मैं खाली बैंगन मसाला बना रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, ये गई जी कसूरी मेथी, ठीक है, जिसका कोई भी कसूरी नहीं है बिल्कुल। ये हमने जी हिलाया और जी इसको हम चढ़ा देंगे फुल फ्लेम पे, दो सीटी और बंद कर दूंगी, फिर जब स्टीम निकलेगी ना तब खोल के हरा धनिया और घी डालेंगे थोड़ा सा। ओह ठंड लग रही है मुझे वॉइस ओवर करते टाइम भी। तो बस रोटियां बन रही हैं फुल के, पैक कर दूंगी अभी मैं उसे घर पर खाने के लिए। भिंडी के साथ रोटी दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया, भूख तो लगी जाती है बच्चे को, तो मैंने कहा ले खाना खा के जाएगा और ले जाने के लिए लंच ले जाएगा और एक सैंडविच एक्स्ट्रा पैक कर दूँगी। जाते ही वहाँ पर ब्रेकफास्ट ब्रेक भी होगा इसका, तो सैंडविच के लिए मैं वही ब्रेड के ऊपर जो है अपना पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली हल्की सी सॉस स्प्रेड लगाऊंगी और इसके ऊपर कच्चा प्याज और थोड़ा सा पनीर बारीक बारीक काट के डालूंगी, उस पर नमक और ओरिगैनो चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर उसको तवे पे सेक दूंगी। अब एक ही सैंडविच बनाना था इसलिए मैंने ग्रिल टोस्टर नहीं निकाला, तो बस इसको मैं पैक कर दूंगी, उसको बीच में स्नैक भूख लगे तो वो ये सैंडविच खा सकता है। और लंच में राजमा के साथ रोटी पैक कर दूंगी, उसके बाद घर वालों को सबको नाश्ता कराएंगे। तो ये तो अपनी रूटीन है, पता है इस टाइम पे इतनी बिजी होती हूँ मैं कि मेरे को व्लॉगिंग सूझती नहीं, बस मैंने आज लगा लिया ट्राईपॉड तो ये हो गया शूट। तो राजमा भी तैयार हो गए, डन है। चलो जी जोर से धक्का मारो, जोर से खाए पिया करो भैया। सो गाइस मेरा किचन का गीजर खराब हो गया, आज सुबह फूक गया, तो इसलिए मैंने ये भैया को बुलाया, खान भैया हैं। सर्दियों में बिना गर्म पानी के तो गुजारा नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ठंडी है, भैया गीज़र उतार के ले गए क्योंकि ठीक करने के बाद जब लगाया तो उसमें से पानी लीक कर रहा था, वो कह रहे हैं कुछ इसका रबड़ बदलना पड़ेगा शॉप पे जाके। तो मैं अभी लंच दे रही हूँ घर वालों को, बैंगन मसाला मम्मी को और मोहित खाएँगे राजमा के साथ और मैं खाऊँगी बैंगन और राजमा के साथ अपना मकबैंग।
तो मैं यहाँ फुलके बनाने लगी हूँ। हेलो जी, जय गुरु जी। वंस अगेन अपडेट, गीज़र ठीक नहीं हुआ भैया। गीज़र लगाया तो सारा लीक कर गया, लेकर गए थे शॉप से, लेकर आए तब भी लीक कर रहा है। तो बोल रहे थे कि कल लगाऊंगा सुबह। मैंने कहा नहीं भैया, कल तक तो नहीं चलेगा, हम तो सुबह सुबह निकल जाएंगे कल ऋषिकेश के लिए, मम्मी पापा होंगे घर पे। तो मैंने कहा वो नहीं करा सकते खड़े होके काम एंड ऑल दैट, आप करके जाओ सुबह, काम वाली कैसे करेगी ठंडे पानी में काम। तो मनाया भैया को, वो कह रहे थे लेट नाइट आकर ठीक कर, तब तक ठीक होगा फिर लगाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देर से आ जाना पर आज लगा कर जाना गीज़र। तो इसी में बहुत सारा टाइम लग गया। तो खाना तो मैं घर वालों को खिला चुकी हूँ और अब मेरी बारी। आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ चाय के साथ एक रस लिया था सुबह। तो मकबैंक शूट करने लगी हूँ, मेरा सारा सेटअप यहाँ लग गया गाइस, और मैं तैयार भी हो गई हूँ। पर मैं नहा ही नहीं क्योंकि मेरा नहाने का टाइम बचा ही नहीं, और मैंने वैसे भी आज हेयर वॉश करने हैं, कल ऋषिकेश जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा काम ख़त्म करके, पैकिंग वैकिंग करके, फिर मैं शाम को नहाऊँगी, हेयर वॉश करूँगी, अच्छे से बाल ड्राई कर लूँगी अपने। तो चलो आपको दिखाती हूँ अपना मकबैंक सेटअप। मैंने दाल नहीं बनाई गाइस अलग से, बिल्कुल टाइम नहीं बचा। गीज़र वाले भैया ने बहुत टाइम लगा दिया किचन में। तो मैंने राजमा ही रख लिए, ये रहा मेरा बैंगन मसाला, राइस, सैलेड, पापड़म एंड लड्डूम एंड जूसम। ठीक है, तो अब मैं शुरू करने लगी हूँ मकबैंग। मोहित गए हैं पार्थ को लेने, उसकी छुट्टी हो गई है। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मकबैंग हो गया था, मस्त मज़ा आ गया था। उसके बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, शाम की चाय अभी पी रही हूँ मैं, वो जीरा एंड अजवाइन वाटर विद लेमन। और स्नैक्स में आज क्या खाया है, आज पार्थ के पापा ने पार्थ को ऑमलेट वगैरह बना दिया था बिकॉज़ मैं रेस्ट कर रही थी। और अब मुझे पैकिंग भी शुरू करनी है। पैकिंग में हम जा रहे हैं ऋषिकेश और हम ठहरेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी रेंट ली है, अपार्टमेंट है, पूरा बंगलो है, वहाँ पे किचन भी होगी हमारी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। वैसे कुक भी होगा लेकिन मैं खुद कुक करूँगी, सेल्फ कुक। तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होगा, एक बार हमें हो गया था, चाहते नहीं थे हम, लास्ट ईयर था गोवा का एक्सपीरियंस। हाँ, तो वहाँ पर हम गए तो रिजॉर्ट में थे लेकिन वहाँ हमें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो हमें चूल्हा लेकर उनसे कुकिंग करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ तो हम प्लान्ड जा रहे हैं कि हम खुद मील्स बनाएंगे। तो मैंने अभी अभी अपना मसाला मिक्स तैयार किया है, दिखाती हूँ। फ़ोन की बैटरी जाने वाली है, तो इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और क्या डाला है, चंकी चाट मसाला, कसूरी मेथी को मैंने अपने प्रपोर्शन में मिक्स कर लिया है। तो हमें क्योंकि एक ही नाइट स्टे के लिए जाना है, तो एक वहाँ पर आफ्टरनून में सब्जी बनेगी, रात को बनेगी और अगले दिन ब्रेकफास्ट बनेगा और हम निकल आएंगे। तो इतना मसाला बहुत है, हम दो फैमिलीज़ हैं। तो एक ये मैंने बना लिया है, नमक मैं अलग से रख लूँगी। ठीक है, इस तरह से मुझे छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे हमने घर से निकलना है और मैं रास्ते के लिए आलू के पराठे बना के ले जा रही हूँ और साथ में ग्रिल्ड वेज सैंडविचेस, मेयो वाले कोल्सलो टाइप सैंडविचेस। तो उसके लिए भी सब्जी ग्रेट करके रख लेंगे। ठीक है, और आज रात के लिए डिनर में बनाऊंगी मटर आलू पनीर की सब्जी। ये रही मेरी हर्बल टी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, नींबू। जय गुरु जी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग करना बार बार भूल रही हूँ बिकॉज पैकिंग में लग गई हूँ। तो मैंने सूटकेस भी पैक कर लिया है। डिनर के लिए मैंने बनाया गोभी आलू, आज बिना टमाटर वाला है, सिंपल प्लेन गोभी आलू। और थोड़ी सी मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ हमारी। ये वाला पैक जो है ना, इसमें ग्रोसरी आइटम्स रखे हैं मैंने, बिकॉज जाते ही जो एक मील हम कुक करेंगे उसके लिए मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ। जैसे ये देखो, रबर बैंड, कॉफ़ी, मैकरोनी, घी, सरसों का तेल, आपको पता है मेरे लून मिर्च मसाले, चावल रख लिया है मैंने, आटा रख लिया है, राजमा रख लिए हैं, मटर रख लिए हैं, देखो प्याज, टमाटर, लहसुन। मतलब जाते ही, बिकॉज़ वहाँ पे पता नहीं कितनी अवेलेबिलिटी होगी, तो मैंने एक मील का सामान सारा रख लिया है। बाकी तो वो बोल रहे हैं कि सब ग्रोसरीज़ मिल जाती हैं वहाँ पर, तो सब अरेंज हो जाएगा। वहाँ कुक भी मिलेगा हमें प्रॉपर्टी पे, लेकिन मैंने उन्हें बोला है कि मैं सेल्फ कुकिंग करूँगी, बस असिस्टेंस चाहिए होगी हमें, जैसे चपाती बनवा ली उनसे, आटा गुनवा लिया, सब्जी कटवा ली टाइप्स का काम। तो सुबह 4 AM निकलेंगे हम। हमने ट्रैवलर बुक किया है 10-seater वाला, वी आर टोटल 8 7 पीपल। तो
ड्राइवर के साथ ट्रैवलर आ जाएगी सुबह, उसमें जाएंगे आराम से मस्ती करते हुए बातें करते हुए एंड जल्दी पहुंच जाएंगे हम चेक इन टाइम से पहले। तो मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर से अभी कोऑर्डिनेट करके सब बोल दिया है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, सो आप रेडी रखना चीज़ें। और एक ही रात का स्टे है, शाम की गंगा आरती अटेंड करनी है हमने ऋषिकेश की, थोड़ा सा लक्ष्मण झूला राम झूला वाली मार्केट घूमेंगे एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके लंच बनाकर निकल आएंगे। यहाँ पर मेरा सूटकेस पैक किया मैंने, नीचे मैंने रख लिए हैं कपड़े मेरे, पार्थ के, मोहित के, और ये ऊपर मैंने मिंत्रा के पैकेज जो रखे हुए हैं ये मैंने अपनी कज़न सिस्टर जीजा जी और उनकी बेटियों के लिए ऑर्डर किया है वो लेके जा रही हूँ। इधर मैं अगेन कुछ ऐसी चीज़ें, मेडिसिन, टिश्यू, ये इलेक्ट्रिक वाटर बैग, अचार, बिस्किट, ये कुछ चीज़ें इसमें रख ली हैं। अभी इसमें चिप्स और बिस्किट्स भी रख लूँगी। तो बस ऑलमोस्ट पैक हो गया एक ही दिन के लिए, और क्या ले जाना है ना। हे गाइस, तो 10 बज गए और मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट किया है ताकि कल जब मैं ऋषिकेश में हूँ तो व्लॉग मिस ना हो। अभी अभी एडिट करके हटी हूँ, एक्सपोर्ट हो रहा है, खाना खा चुके हैं सब, ये रहे। तो अब हम आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे ऋषिकेश में, ठीक है। आँखों में पानी आ गया मेरे ना, बिकॉज ब्लोअर चल रहा है और इतनी देर से मैं लैपटॉप पे देख रही थी तो आँखें जल रही हैं मेरी। बस अब हम सोने लगे हैं बिकॉज हमें उठना है 2:30 बजे और मुझे उठ के बनाने हैं आलू के पराठे, नहीं सैंडविचेस बना रही हूँ ना मैं, आलू के सैंडविच और कोल स्लो सैंडविचेस ग्रिल करके, ठीक है पार्थ। आलू के पिल्लू बना रही हो तुम? पिल्लू कुछ नहीं हो, पापा ने दूसरा जोक डाल दिया। कल मिलते हैं गाइस, लव यू, जय गुरु जी, बाय।